जगत को भी एक आवाहन है कि भारत ने पिछले 5-6 वर्षों में किस तरह अपनी बुनियाद मजबूत की है और भारत के लोग कैसे नए भारत के निर्माण के लिए उत्साहित हैं। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के मंत्र पर चलते हुए पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम कर रही है। 8 करोड़ गरीबों को मुफ्त गैस कनेक्शन, 2 करोड़ गरीबों को घर, लगभग 38 करोड़ गरीबों के बैंक खाते, 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा, 24 करोड़ लोगों को बीमा सुरक्षा कवच, 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मुफ्त बिजली कनेक्शन पूरी पारदर्शिता के साथ और बिना भेदभाव के दिया गया है। मेरी सरकार की योजनाओं ने हर धर्म हर क्षेत्र के गरीबों के हित में समानता के साथ सहायता व सुविधाएं पहुंचाई हैं और इसलिए देश के लोगों का विश्वास भी अर्जित किया है। माननीय सदस्यगण, बंगाल की धरती के महान सपूत और जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व वाली सरकार में उद्योग मंत्री रहे डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने लोकसभा में कहा था कि एक लोकतांत्रिक संघीय राज्य में एक इकाई के नागरिकों के मौलिक अधिकार किसी अन्य इकाई के नागरिकों से अलग नहीं हो सकते। क्या जम्मू कश्मीर के लोग उन मूलभूत अधिकारों के हकदार नहीं हैं जो हमने शेष भारत के लोगों को दिए हैं? आज 7 दशक बाद पूरे देश में इस बात की खुशी है कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी समेत करोड़ों स्वतंत्रता सेनानियों का सपना साकार हुआ है। और जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के लोगों को और जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के लोगों को वहां के दलितों और महिलाओं को भी वही अधिकार मिले हैं जो बाकी देशवासियों को प्राप्त हैं। संसद के दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत से संविधान के अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A को हटाया जाना न सिर्फ ऐतिहासिक है बल्कि इससे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के समान विकास का भी मार्ग प्रशस्त हुआ है। मैं इस सदन के माध्यम से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को विकास की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। माननीय सदस्यगण, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का तेज विकास वहां की संस्कृति और परंपराओं की रक्षा, पारदर्शी व ईमानदार प्रशासन और लोकतंत्र का सशक्तिकरण मेरी सरकार की प्राथमिकताओं में है। राष्ट्रपति शासन के दौरान और केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विकास की सभी परियोजनाओं में तेजी आई है। वर्ष 2018 के अंत में जम्मू कश्मीर की 4,400 से अधिक पंचायतों में शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न हुए थे। स्वतंत्रता के बाद पहली बार वहां 300 से अधिक ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स के चुनाव भी कराए गए हैं। अब वहां के लोगों को स्वच्छ भारत अभियान, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना, उजाला योजना, DBT तथा खाद्य सब्सिडी का पारदर्शी तरीके से पूरा लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जहां मार्च 2018 तक जम्मू कश्मीर में लगभग 3,500 घर बनाए गए थे, वहीं 2 साल से भी कम समय में 24,000 से ज्यादा घरों का निर्माण पूरा किया गया। इसके अलावा जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कनेक्टिविटी, सिंचाई, अस्पताल, पर्यटन से जुड़ी योजनाओं एवं IIT, IIM, एम्स जैसे उच्च शिक्षा के संस्थानों की स्थापना का काम भी तेजी से चल रहा है। जम्मू कश्मीर में सेब की सीधी खरीद के लिए नैफेड को जिम्मेदारी दी गई है, इससे कश्मीर घाटी के सेब उत्पादकों को विशेष तौर पर लाभ मिला है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की सफलता ने तथा सरकार द्वारा लिए गए ऐतिहासिक फैसलों ने देशवासियों की अपेक्षाएं भी बढ़ाई हैं।